ये सब पता है कहाँ से खोलना है ना। अच्छा तो इंडिया में असेंबल भी होते हैं, ये असेंबल क्या कहते हैं, मेड इन इंडिया। देखो सही इंडिया नहीं, तिरंगा क्या लहरा रहा है, मस्त, जय हिंद। सरप्राइज मिलने वाला है, सो चैनल पे बने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सर दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी जो है फिलहाल ठीक नहीं हूँ, ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन पहले से बेटर हूँ। सो रात को आया, कहीं जाना था, कुछ था, इसलिए जो है रात को एडिट नहीं कर पाया। थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, उस वजह से रात को एडिट बिल्कुल नहीं कर पाया। सुबह उठा 3 बजे करीबन, उठ के फिर एडिट करके ख़त्म करके 5:30 बजे ब्लॉग एंड करके अभी छत पे आया हूँ। सो गाइस, कहते हैं ना लोग, किसी लोगों के मुँह से मैंने सुना है, वीडियो तो बनाना है, बना के देखो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन इसमें मेहनत कितना लगता है ये किसी को नहीं पता। सो गाइस, प्लीज़ आप लोग भी, जितने लोग मेरे को कहते हैं कि वीडियो तो बनाता है, उनके लिए मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ, आप लोग भी बना के देखिए और 9 to 5 जॉब करके भी देखिए, साथ में दोनों चीज़ को करके देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है और आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मेहनत लगता है डेली व्लॉग वो भी। सो बहुत मुश्किल है, यूट्यूब आसान नहीं है, लेकिन मैं करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़ गाइस। और जो है भाई को भरपूर सहयोग करना, और जो है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल टाइम हो गया, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। लोगों का तो क्या है, कहते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल टाइम हो गया, 6:57 हो चुके हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। गला जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो हल्का फुल्का मैं गले की एक्सरसाइज करूँगा। अभी तो हल्का सा पसीने भी आ रहे हैं, हो सकता है कि मैं ठीक हो जाए, क्योंकि मैं अभी सुबह उठ के ना काढ़ा पिया था, काढ़ा बहुत बेनिफिट रहता है, तो इस तरह के उसमें आप लोग काढ़ा भी पी सकते हैं। क्योंकि एक तो गला दर्द हो रहा है, जुकाम नहीं है लेकिन गला दर्द हो रहा है। पता नहीं कैसा मौसम हो गया, समझ में नहीं आया ना, बुखार है ज़्यादा, हल्का सा बुखार है और जो है गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ऐसे में पता नहीं क्या मौसम है, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिलहाल तो हल्का सा गला का एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद कैंसिल ठुल्ले आके खेल ही रहे। सात आठ बार किया तब जाके हो गया फाइनली। अब गला तो ना थोड़ा सा साफ हो गया है, अभी ऐसा लग रहा होगा थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए। सच में बता दे, मैं खोल दूंगा, सच में बताएगा तो खोलूंगा। अच्छा यहाँ से खोलना है? ओ, बहुत तेज है तू, बता दिया यहाँ से खोलना है, बहुत तेज है। चलो ये सब पता है कहाँ से खोलना है ना। सो गाइस, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाया लेकिन जितना भी किया आज के लिए इनफ है, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ना नासाज होने की वजह से जो है ना, जितना भी कर रहा हूँ कम है वैसे तो एक्सरसाइज, लेकिन आज जो है ना थोड़ा कम कर लिया। कोई नहीं, फटाफट निकलते। भाई का है? अच्छा भाई है, अच्छा आ गया, कितना जल्दी आ जाता है घर जाने के लिए। थोड़ा आ जा, जा तू भी आ जा, ठूले जल्दी आ जा, आ जा, आ जा जल्दी आ जा। हाँ चलो फटाफट चलते, लेट हो जाएगा नहीं तो। जय भोलेनाथ, जय। सो गाइस फटाफट निकलते। सो गाइस फिलहाल जो है ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। आजकल तबीयत खराब होने की वजह से ना एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ धूप भी, आज सुबह ना हल्के हल्के से पसीने आ गए थे मुझे, क्योंकि कल दिन भर नहीं आया, परसों भी नहीं आया पसीना। इसका मतलब कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा ना बुखार है, अजीब सा ही बदन टूटा पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ चला जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा सुबह उठ के हल्का सा एक्सरसाइज भी कर लिया, अच्छा लग रहा है। अभी गले में ना थोड़ा सा खराश भी है, आप लोगों को थोड़ा सा भारीपन लग रहा होगा आवाज़ में ना, कोई नहीं चलता रहता है गाइस, मैनेज कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो एक ही फैमिली के हैं। सो यू आर माय यूट्यूब फैमिली गाइस, सो चलता है इतना तो, सुख दुख के साथ ही हैं हम लोग। जय भैरव बाबा की जय, जय भैरव बाबा की जय। रास्तों में कोई भागा दौड़ी नहीं करना है गाइस, थोड़ा हो सके तो जल्दी निकलना है, टाइम से निकलना है, लेकिन रास्ते में जो है ना भागा दौड़ी नहीं करना है, आराम से चलना है, किसी को तकलीफ ना हो, खुद को भी तकलीफ नहीं देना है। तीन बैठे हैं लेकिन तीनों के पास हेलमेट नहीं है, ऐसे गलती ना करें गाइस,
आज तो मैंने ना गाइस ऑफिस में ठंड होता है ना, तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने जैकेट पहन लिया। आज यही पहन के रहने वाला हूँ ऑफिस में। जिसको एसी बंद करना है करे, ना करना है ना करे, अपन को कोई टेंशन नहीं है। अभी आज का दिन जो है ना, ये देखो अगरबत्ती, अगरबत्ती की दुकान जा रही है भाई। पूरी साइकिल में अगरबत्ती की दुकान थी। ओए होए 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 चाचा, देखो प्याज ही प्याज जा रहे, आलू और प्याज की दुकान। तो यही चाचा तो थे उस दिन, मैंने हेल्प किया था इनको, आज तो ऊपर ही पहुंच गए हैं। तबीयत सही हो खराब हो, लेकिन अपने आप को ना हैप्पी मूड में रखना चाहिए, हमेशा खुश रहो। कि यूट्यूब ना आसान नहीं है भाई। अभी मैं रास्ते में हूँ तभी मेरा कैमरा ऑन है, मैं ऑफिस जाऊँगा तभी मेरा कैमरा ऑन रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोटोकॉल है ऑफिस का भी। रात को जितना भी टाइम लगे करके सो जाओ, तो सुबह जो है अपने टाइम से उठ के एक्सरसाइज करने जा सकते हैं। अगर आप सुबह उठते हो 3 बजे करीबन, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप योगा वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है, बहुत टफ है गाइस। सो गाइस, टफ तो है लेकिन ओए ओए तिरंगा क्या लहरा रहा है, मस्त, जय हिंद। वही हाल है भाई, रोज का साइड साइड से निकलना पड़ेगा धीरे धीरे करके, लेकिन आज थोड़ा कम जाम लग रहा है मुझे ऐसा। ओह, पटाखे फोड़ रहा है भाई ये तो, क्या हो गया इसको, पटाखे तोड़ रहा था बड़बड़। ये देखो इतना बेवकूफ इंसान, देख रहे हो, इसको पता है फिर भी यहीं से लगाना है। अकल नाम की चीज ही नहीं है इसमें, बेवकूफ कहीं का। सो गाइस, फिलहाल जो है ना गेट से भी निकल चुके हैं ऑफिस पहुंचने के लिए। ऑफिस में तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, लेकिन वैसे लेट हूँ क्योंकि जाम में फंस गया था, उस वजह से जो है लेट होना पड़ा। तो चलते हैं फटाफट गाइस। भाई क्या चल है? गुड मॉर्निंग। एप्पल स्टोर में हुई आईफोन की लूट। कितने आईफोन ले रहे हो तुम? लूट हो गई है ना, बताओ। देखो सोना का पुश आईफोन ले स्टाइल में घुसे, इससे तो छुटकारा मिला नहीं है। अच्छा तो इंडिया में असेंबल भी होता है, ये असेंबल क्या कहते हैं, मेड इन इंडिया। देखो मेड इन इंडिया नहीं होगा, असेंबल ही कहते हैं असेंबल। आप जो भी फोन आ रहे हैं ना एमआई के, मेड इन इंडिया है। मैंने लिया था ना 13, अभी मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया लिखा था इस पे। अब इस बारे में पता है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज आपको गणेश चतुर्थी का विसर्जन है, जो विसर्जन है गणेश जी, और एक कोई कहता मुहर्रम भी, चतुर्दशी है कुछ, चतुर्दशी तो कल, चतुर्दशी आज, कल पंचमी है, और कुछ है कल पंचमी, आज चतुर्दशी, मुहर्रम है, मुहर्रम भी आज ही है, दिल्ली में छुट्टी है, सबको बताइए भाई। सो गाइस, फिलहाल लंच टाइम हो चुका है, आप लोगों को नया सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत हो गया डेली ब्लॉग, अब कुछ चेंज करते हैं, सरप्राइज मिलने वाला है, सो चैनल पे बने। सो गाइस, फिलहाल जो है ना मैं काम कर रहा था, लेकिन अभी ना एक एडोबी से कोई आए हुए हैं, उनका जो क्लास है हम लोग को जो है ऑफिस की तरफ जो प्रोवाइड किया जाता है, वो छोटा सा क्लास है, वो क्लास करके आते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। आप लोग से अच्छा लगता है रूबरू होना, लेकिन व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं, इतना तो चलता है। ऑफिस से घर निकलने का टाइम भी हो चुका है, आज थोड़ा एआई की क्लास लिया है ना। यस, जनरेटिव फील्ड, AI generative, Adobe हो गया, होने वाले हो। हाँ, तो अच्छा भी लगा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना, क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पर पहले कंप्यूटर आया, पहले वो डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडो आया, फिर वेब का जमाना आया, फिर ई कॉमर्स आया, फिर वो CD से, फ्लॉपी से होते हुए छोटी फ्लॉपी, फिर CD, पेन ड्राइव, DVD, उस जमाने में चल रहे हैं, वो सब कुछ चेंज होते हुए देख रहे हैं। अब क्या में आ गए? अब हम AI में आ गए। अब AI में आ गए, तो अच्छा लगा। अभी क्लासेस तो और भी होंगे, आज पहला क्लास था तो बहुत ही एंटरटेनिंग था, अच्छा लगा, कुछ सीखने को भी मिला,
आपको मिला बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा। तो अभी निकल ऑलरेडी मैं कर चुका था। अच्छा ये ऑलरेडी कर चुके थे, मैं भी हल्का फुल्का कर रहा था, लेकिन आज जो क्लासेस थे बहुत अच्छा लगा। सो कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे भी सीखने को मिलेगा। सो फटाफट निकलते हैं गाइस। सो गाइस ब्लॉग कैसा लग रहा है, आई होप कि अच्छा ही लग रहा होगा। जैसा होगा लग रहा होगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल जो है गाइस टाइम हो गया है, 4:49 हो चुके हैं, सुबह हो चुका है। सो रात को उठकर एडिट चालू कर दिया था, सुबह सुबह एडिट खत्म हो चुका है। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी हो गया है। हाँ गाइस यूट्यूब आसान नहीं है, सो आपसे मैंने बोला था बिल्कुल भी आसान नहीं है, आप लोग भी करके देख सकते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन वही है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है और डेली में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। सो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।